28 ईयर्स के मशहूर फिल्मकार अनुराग कश्यप की तबीयत ठीक नहीं चल रही। उनके सीने में दर्द की शिकायत हुई। ऐसे में जब उन्होंने अपनी जांच करवाई तो उन्हें पता चला कि हार्ट में ब्लॉकेज है। ऐसे में डॉक्टरों ने उन्हें एंजियोप्लास्टी करवाने की सलाह दी, जिसके बाद मुंबई के एक हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी की गई। बता दें, खबरों के अनुसार अनुराग की सर्जरी के बाद अब उनकी तबीयत में काफी सुधार है और इस वक्त आराम कर रहे हैं। वहीं अनुराग कश्यप मार्च के महीने में अपनी आने वाली फिल्म दोबारा की शूटिंग कर चुके हैं और एंजियोप्लास्टी से पहले वो घर से ही फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि अनुराग कश्यप के घर कुछ दिन पहले आईटी की रेड पड़ी थी। आयकर विभाग के छापे और तलाशी के दौरान जांच एजेंसी को करोड़ों की हेरा फेरी का पता चला था। दरअसल प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म्स कश्यप ने 2011 में शुरू किया था और 2018 में बंद कर दिया। इनकम टैक्स विभाग को ये जानकारी मिली थी कि फैंटम फिल्म्स में टैक्स की चोरी हुई है। फैंटम फिल्म्स ने जो पैसा कमाया उसकी सही जानकारी नहीं दी गई। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब जानना चाहता है कि कर चोरी की रकम का बंटवारा कैसे हुआ, इस रकम से क्या क्या खरीदा गया और कहीं इस रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए देश के बाहर तो नहीं भेजा गया। बता दें, फैंटम फिल्म्स के बैनर तले लुटेरा, क्वीन, अगली, एनएच 10, मसान और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों का निर्माण हुआ। बाद में कश्यप ने नई प्रोडक्शन कंपनी गुड बैड फिल्म शुरू की, जबकि मोटवानी ने आंदोलन फिल्म शुरू की। पटेना क्वान के को प्रमोटर थे, उनके खिलाफ भी छापेमारी की कार्रवाई की गई। वहीं अब अनुराग कश्यप की बीमारी की हालत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अनुराग कश्यप हर दिन हॉस्पिटल में दिखाई पड़ते हैं। उनको हार्ट की प्रॉब्लम तो है ही, साथ में आपको बता दें इससे पहले भी अनुराग की अपनी आंख की वजह से काफी बुरी हालत थी। और इसी के साथ आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज की रिपोर्ट और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर। धन्यवाद।